हेलो फ्रेंड्स, कपिल्स किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मटर का नमूना, वो भी बहुत आसान तरीके से। जिसके लिए हमें चाहिए एक कटोरा मटर छिला हुआ, 12-15 लहसुन की कलियां, 2 प्याज, 3 हरी मिर्च, 1 इंच का अदरक और 3 टमाटर, 1 आलू जो हमने छील के काट लिया है। अब नमूना बनाने की हम तैयारी कर लेंगे, जिसमें हम ये सब सारी चीज़ें पीस लेंगे। हमारा मटर पीस गया है, आप देख सकते हैं ये आधा खड़ा, और बहुत बारीक नहीं पीसना है इसको, ये दरदरा पीसा जाएगा। प्याज है, ये 2 प्याज है जिसको हम इसी जार में डाल के पीस लेंगे। इसके साथ 10-15 कलियां लहसुन की, और ये 3 हरी मिर्च है, और 1 इंच का अदरक है, और 1 टमाटर, इसको भी बारीक हम पीसेंगे, इसको भी दरदरा ही पीसेंगे हम। इसको ये हम पीस, आप देख सकते हैं इसको हमने दरदरा पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है। ये हम निकाल लिए हैं। अब हम नमूना बनाने के लिए हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, और ये हमने थोड़ा ऑयल डाला है, इसको हम सरसों के तेल में ही बनाएंगे क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है, और हमारा आलू फ्राई हो चुका है। अब हम आलू को निकाल लेते हैं। हमने आलू को निकाल लिया है। अब ये थोड़ा सा ऑयल है, इसमें हम अपना मटर डाल के भून लेंगे। मटर को बहुत ज़्यादा नहीं भून लेंगे, इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पे हम भून लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मटर भून चुका है, इसको अब हम निकाल लेंगे। इसी के ऑयल डालेंगे, ये 2 चम्मच ऑयल है हमारे पास, इसको हमने डाल दिया, और ये हमारे पास जो हमने प्याज लहसुन अदरक मिर्चा और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो है। हल्का दरदरा दरदरा हमने पीस लिया इसको, अब इसी के साथ हम इसको भून लेंगे। हमारा मसाला भून रहा है अच्छे से, और इसमें अब हम आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच हरा मिर्च और लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर इसमें डालेंगे, और इसको चला देंगे और अपने मसाले को भूनने देंगे। इसको तब तक भून लेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। आप देख सकते हैं हमारा ऑयल, ये देख सकते हैं किनारे किनारे हमारा ऑयल सेपरेट हो रहा है। अब इसमें हम अपना आलू मटर डाल के 1-2 मिनट तक भूनेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा भून देंगे ताकि ये से पकने में। ये हमारे पास 2 टमाटर बारीक कटा हुआ है, इसको भी डाल के हम 2 मिनट भून लेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारी नमूने की जो सामग्री है वो अच्छे से भून गई है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम 2 ग्लास पानी डालेंगे। नमक स्वाद के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं।
इसको ढक के 10 से 15 मिनट तक हम पकाएंगे। हो रहे हैं, अपन हम अपनी सब्जी को देख लेते हैं। देखिए हमारी सब्जी करीब करीब हो चुकी है। अभी हम इसको चला दिए हैं और इसमें हम एक चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको फिर से हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, आइए हम देख लेते हैं अपनी सब्जी को। फाइनली हमारी सब्जी हो चुकी है और इस निमोने को अब हम निकाल लेते हैं। एक बार ज़रूर खाएं बना के। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्लीज़ थैंक यू।